एसआई ने टीआई को मारी गोली। फिलहाल गोलीकांड का ताजा हालात हम आपको बता दें। उसके पहले हम आपको बता दें, रीवा में गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह आदमी की दिनचर्या थी। खास तौर से हम बात करें पुलिस कंट्रोल रूम और सिविल लाइन थाने की, लगातार पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे। टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा अपने कमरे में, अपने चैम्बर में मौजूद थे। उसी दौरान उनसे कुछ लोग मिलने आए। टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सिविल लाइन थाने में ही पदस्थ आरबी सिंह, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां बैठे मौजूद लोगों से कहते हैं, आप लोग बाहर जाइए, हमें टीआई साहब से कुछ जरूरी बातें करनी है। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो कमरे के बाहर निकलते हैं। इसी दौरान फायर की आवाज आती है, गोली चलने की आवाज आती है, एक नहीं दो गोलियों की आवाज सुनकर फौरन ही थाने के अंदर मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी थे टीआई के कमरे की ओर भागते हैं। कमरे के अंदर पहुंचने पर देखते हैं आरबी सिंह एसआई के हाथ में रिवॉल्वर है, खून से लथपथ हितेंद्र नाथ शर्मा टीआई वहीं पर पड़े हुए हैं। तत्काल ही हितेंद्र नाथ शर्मा को उठाया जाता है, पुलिस की गाड़ी में उनको बैठाला जाता है। पुलिसकर्मी उनको लेकर वहीं पास में ही मौजूद लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर बिल्कुल पास में मिनरवा अस्पताल है, वहां पर पहुंचते हैं। हितेंद्र नाथ को एडमिट कराया जाता है। इसी दौरान गोली चलने की घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। इसी दौरान सबसे बेहतर बात जो होती है वो ये होती है, जब हितेंद्र नाथ शर्मा को पुलिसकर्मी सिविल लाइन थाने कर लेकर जा रहे थे, उस दौरान आरबी सिंह टीआई के कमरे में अकेले मौजूद थे। किसी पुलिसकर्मी ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। इसका सीधा सा अर्थ था, अब आरबी सिंह कमरे के बाहर नहीं निकल सकते थे, पुलिस अभिरक्षा के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन चिंता की बात यह थी कि आरबी सिंह के पास एक नहीं दो रिवॉल्वर ही मौजूद थे। हितेंद्र नाथ शर्मा को मिनरवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी दौरान सारे वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी एसपी एडिशनल एसपी वहां पर पहुंच गए, स्थानीय विधायक भी वहां मौके पर पहुंचे। मिनरवा अस्पताल में डॉक्टरों ने हितेंद्र नाथ शर्मा को सबसे पहले खून बंद करने का निर्णय लिया, उसके बाद ऑपरेशन की बातचीत होने लगी। भोपाल और जबलपुर से डॉक्टरों की टीम बुलाने का भी निर्णय किया गया। भोपाल की टीम वायु मार्ग से जबलपुर तक आई, उसके आगे का सफर सड़क मार्ग से कर रही है। जबलपुर की टीम भी उनके साथ है, जिसकी देर रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच मिनरवा अस्पताल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है भोपाल और जबलपुर की टीम आने के बाद ही ये तय किया जाएगा उनका ऑपरेशन किस तरीके से करना है। आज सुबह 2 बजे से लगभग 9 बजे तक ये ड्रामा चलता रहा, सनसनी का माहौल रहा। कभी भी रीवा ने इस तरीके की वारदात नहीं देखी थी। थाने के अंदर गोली चलने की घटना अपने आप में काफी बड़ी। गोली मारने वाले शख्स के हाथ में 2 रिवॉल्वर, पुलिसकर्मी ने बैरिकेड्स लगा दिए थे सिविल लाइन थाने की तरफ जाने वाले, किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि आरबी सिंह के पास बंदूकें एक नहीं दो थी, गोलियां थी, वो किसी पर भी फायर कर सकते थे। लेकिन बेहतर बात ये रही, रात को 9 बजे के आसपास जब पुलिस अधीक्षक डीआईजी रीवा मिथिलेश शुक्ला मौके पर पहुंचे, उसके बाद आरबी सिंह को समझाइश दी गई। उन्होंने खिड़की से अपनी दोनों रिवॉल्वरें पुलिस को दे दी और उसके बाद टीआई के कमरे का दरवाजा खोलकर आरबी सिंह से पुलिसकर्मियों ने, पुलिस कप्तान ने बातचीत की। इसी दौरान कमरे का निरीक्षण भी किया। फिलहाल राहत की बात यह है कि आरबी सिंह पुलिस की अभिरक्षा में पहुंच चुके हैं। उनके हाथ में से दोनों रिवॉल्वर और गोलियां पुलिस ने ले ली। लेकिन चिंता की बात यह है, हितेंद्र नाथ शर्मा की स्थिति फिलहाल पुलिस कप्तान के अनुसार स्टेबल है। अगर तत्काल उनका ऑपरेशन होता है, जो देर रात होगा, उसके बाद ही पूरी तरीके से कहा जाएगा उनकी स्थिति
कैसी है? गोली उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायू के डॉक्टर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है, और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे 6 घंटे इनको स्टेबल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, और ये डॉक्टर्स आ जाएंगे तो फिर पूरी टीम मिलके और यहाँ आगे का जो इलाज है वो शुरू होगा। अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है। जाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। अभी क्या है, घटना के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी क्योंकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे देखने अपराध तो हुआ ही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है TI हितेंद्र शर्मा की जान को बचाना। उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था रिवर में किस तरह से चरम रहा है, अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है? विवाद चलते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध थोड़ी किए जाते हैं। विवाद तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध को अंजाम देना चलेगा कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को भी बताती है। आगे वाले समय में पता चलेगा। अभी तो हम सबको ध्यान इनके जीवन को बचाना है।